अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो में आप सबको हो गया वेलकम। मैं हूँ अतीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतीक जिरा। इस वक्त बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ शफीकपुर बोर्ड के पास, यानी कि जो मेरा अपना आबाई गाँव है शफीकपुर, उधर मैं खड़ा हूँ। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में, ईद वाले व्लॉग में बोला था कि कहीं की मैं प्लानिंग करूँ किसी टूर पर जा रहा हूँ, कौन सी जगह जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, कितने दिन का टूर है, ये सारी बातें उधर पहुँच के बताई जाएंगी। उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। तो अभी टाइम वेस्ट किए बगैर मैंने पकड़नी है गाड़ी, इधर से मैंने पहुंचना है मीरपुर अपने दोस्त के पास, उधर से फिर आगे। इतनी हिंट दे देता हूँ कि कश्मीर की टूर है, एक बहुत ही खूबसूरत वैली है, उधर जा रहा हूँ। अब आप लोग गैस भी करें किधर जा रहा हूँ, शायद ये एपिसोड 1 हो तो इसमें मैं उधर पहुँच ही ना सकूँ, एक लंबा सफ़र है। तो ये तो सारी बातें मैं रास्ते में शेयर करता जाऊँगा। तो अभी टाइम ज़ाया किए बगैर अपना सफ़र शुरू करते हैं। इधर से मैं आप लोगों के सामने सिर्फ पैदल निकलूँगा और फ़ौरन से मैं मीरपुर आपको मिलूँगा। मान लीजिए आपका भाई मीरपुर पहुंच जाया है तकरीबन 3 घंटे सफ़र करने के बाद, और मुझे रिसीव किया जी साथ साहब ने, आधा घंटा रोड पे दलील करके फिर उन्होंने अपने गेस्ट को रिसीव किया। सर वेलकम। वेलकम। अगले 3-4 दिन आपको व्लॉग में साथ साथ साहब भी नज़र आएंगे इंशाल्लाह। अभी सर क्या स्टोरी है, शेड्यूल ज़रा शेयर करें। अभी ये है कि आप रेस्ट करो, मुझे थोड़े से काम है, मैं करके आता हूँ। ठीक है, फिर निकलते हैं आधे घंटे तक। ठीक है, आप जाएँ घर, तैयारी पकड़ें। इधर ही एक ऑफिस है, मैं ऑफिस भी आपको चेक करवाता हूँ, उधर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, कुछ फ्रेश हो जाऊंगा, कुछ खाओ पीऊंगा, बस हो गया सफ़र करके। अभी आगे बड़ा सफ़र करना है। ठीक है सर, आप जाएँ और वापस जल्दी आ जाना इंशाल्लाह, वरना दोबारा मैंने लोगों को बता देना नहीं मुझे। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी जी मैं पहुंच गया हूँ जिस ऑफिस का मैं आपको बता रहा था। ये है जी ऑफिस, माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, मछलियाँ वगैरह इधर बड़ी हुई हैं, किताबें लगी हुई हैं, एसी लगा हुआ है। असल में इधर साथ साहब और उनके भाई करते हैं ट्रेडिंग, हाँ जी, बड़े प्रोफेशनली काम शाम करते हैं, इस वजह से उन्होंने अच्छा स्टूडियो भी बनाया हुआ है। तो आज भी उधर कंप्यूटर वगैरह नहीं पड़े हुए, इन्होंने एक और स्टूडियो बनाया है, उधर इन्होंने चीज़ें शिफ्ट कर ली हैं। तो खैर अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, 7 का इंतज़ार है, वो घर से आएगा तैयारी करके, फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद 40 मिनट बाद हमने निकलना है पिंडी के लिए, उधर से मुजफ़्फ़राबाद, फिर अगला जो हमारा स्टेशन है वो फिर मैं आस्ते आस्ते आपको स्टोरी शेयर करूँगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 1 घंटा रेस्ट मारने के बाद जी दोबारा हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। अभी साथ हम किधर जा रहे हैं? अभी हम अड्डे में जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं जी नांगी अड्डे में। नांगी अड्डे में। ओके हो गया। कंदील साहब इधर आए, हाई करें। डॉक्टर किसका? कंदील साहब हमारे साथ जा रहे हैं जी पिंडी तक। अभी हम इधर से पकड़ेंगे गाड़ी, पिंडी पहुँचते हैं, पिंडी जाके आपको अपडेट दे रहे हैं। साहब अभी जी हम रावलपिंडी पहुंच जाए हैं, तकरीबन शाम के 5 हो रहे हैं। इतनी लेट हम क्यों पहुंचे हैं जी? मीरपुर से साथ साहब ने 3 गाड़ियां फ्रंट सीट के लिए छोड़ दी थी, उसके बावजूद जब चौथी गाड़ी मिली तो फ्रंट सीट की हमें गोली दी गई, लेकिन एंड पे दोबारा हमें फ्रंट सीट नसीब नहीं हुई, पीछे ही फंस के आए हैं। तो है लेट हो गए काफ़ी, अभी हमने टिकट ले लिए हैं, टिकट बनाए जी स्काईवेज के, अच्छी सर्विस है, टिकट ले लिया मुजफ़्फ़राबाद के, मुजफ़्फ़राबाद पहुंचेंगे फिर जाके आपको बताएंगे कि हमारी असल डेस्टिनेशन कौन सी है। तो आज हम देखते हैं कि शायद हमें मुजफ़्फ़राबाद स्टे करना पड़े या हम अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं या नहीं। तो बस अभी खाना खा लें, आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी निकलेगी, तो फिर आगे चल के घर से लगा देते हैं। अभी भी हमने खाना वगैरह खा लिया है और टिकट्स वगैरह भी ले लिए हैं, बस बस का इंतज़ार है। और मौसम चेक करें, माशाल्लाह मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। ये साथ है जी फैज़ाबाद अड्डा और ऊपर है मेट्रो स्टेशन, ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस अभी 10-15 मिनट बाद हम गाड़ी पकड़ेंगे और प्लान कुछ यूँ बना के रात को हम मुजफ़्फ़राबाद स्टे कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी उधर आज हम नहीं पहुँच सकते। और जी तो दो हमारे दोस्त हैं जिनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि जिन्होंने ये टूर मिस कर दिया है। तो भाई जान आपको पैगाम है कि हम दोनों देखें अकेले भी आ गए हैं, इरादे बंदे के मजबूत होने चाहिए, अपने शौक जो है पूरे करने चाहिए, और मसले मसाइल होते हैं लेकिन टूर का प्लान बना के कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो हम आ गए हैं,
आप लोग ये पैगाम हमारा देख लें, इंशाल्लाह हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के भी आपको सलाम मारेंगे उधर से। तो मौसम बड़ा मज़े का हो गया है, यकीनन बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी। अभी बस हम ज़्यादा इधर व्लॉग लंबा नहीं करना चाहते, गाड़ी में बैठेंगे और दोबारा आपको मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे, उधर एक और बंदे से भी आपको मिलवाएंगे। मेरे व्यूअर्स जो है ना वो जानते हैं उस बंदे को, बहुत व्लॉग किए हैं उधर। तो बस ये अब गाड़ी में बैठते हैं और आपको मिलते हैं इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद। अभी जी रात के 10 हो रहे हैं और हम इस वक्त पहुंचे हैं छत्तर चौक मुजफ्फराबाद। जिस बंदे ने हमें रिसीव करना है शाम में वो हमें लेने आ रहे हैं, और इधर हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं जी। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इस वक्त हमें ये रेस्ट की ज़रूरत है। वजह ये है कि सुबह 8 बजे से हम सफ़र में हैं, ये तो खैर 2 बजे से सफ़र में है मेरे को से, लेकिन मैं उसको 8 बजे सफ़र में हूँ। और भी शाम को हमारी छतियों से भी लग रहा होगा कि हम बैठ ही नहीं, तो अभी बस हम शाम के साथ पहुँचेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह गाड़ी तो बताएंगे आज, और फिर कल हमारा आगे की तरफ सफ़र शुरू होगा। जो जिधर हमें जाना है वो हम आपको कल बताएंगे कि हम किधर जा रहे हैं। अभी बस शाम आ जाता है तो इसके घर पहुँच के बुला लेंगे करेंगे इंशाल्लाह। फाइनली जी हम पहुंच जाए हैं श्याम साहब के घर गड़ी दुपट्टा, और ये है जी मिस्टर श्याम सर, सलाम कर दें। वालेकुम अस्सलाम। कितना इंतजार आपने किया जी हमारा? मैंने किया? मैंने आपने किया मेरा इंतजार? मतलब आपको कोई चाह थी कि हम आपके पास आए? ना इस बार बिल्कुल भी नहीं थी, इस बार आप जबरदस्ती आए। इस बार हम वाकई जबरदस्ती आए हैं जी। जो मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि मैं थोड़े दिन पहले इधर रह के जा चुका हूँ। ये जैकेट वाली क्या चावल थी जो आपने मारी है? जून में आप जैकेट पहन के फिर ये देखे जी हम कंबल में बैठे हैं, पंखा शंखा बंद है, ठंड ठीक ठाक है, तो एकदम हम 46 टेम्परेचर से कितने में 15-20 ही इधर इतने ही है, चेक कर लेते हैं 22-23 होगा, 22-23 तो बड़ा मुनासिब टेम्परेचर है, बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो जो पहले इन्होंने बातें की हैं वो इग्नोर करें, ये इनके साथ जो है ना हम तय करके इधर आए थे, नहुद हमें बुलाया छोड़ नहीं थे रहिए। अभी खाना शाना खा लिया है, भाई ने खिदमत की है, अब रेस्ट करेंगे। सुबह हमने जाना है जिस जगह वो अभी तक हमने रिवील नहीं की, इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपको बताएंगे। अभी नहीं इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दें, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।